डीन एम्ब्रोस छोड़ने वाले हैं WWE को, सीना का रेसलमेनिया ओपोनेंट कौन होगा, साथ ही साथ रोमन रेंस की हेल्थ पर आया लेटेस्ट अपडेट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइज आज की वीडियो की शुरुआत की जाए अभी की बड़ी न्यूज के साथ। तो दोस्तों एक घंटे पहले ये खबर ब्रोक हुई है, दरअसल डीन एम्ब्रोस WWE को छोड़ना चाहते हैं। WWE द्वारा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट की रकम बढ़ाने के बावजूद डीन एम्ब्रोस दोस्तों WWE को नोटिस जारी कर चुके हैं और यहां डीन एम्ब्रोस अपने फैसले पे कायम है, उनको WWE को छोड़ना है। दरअसल दोस्तों डीन एम्ब्रोस अपने कैरेक्टर से काफी नाखुश है। जैसे कि आप जानते हैं डीन एम्ब्रोस जब से अपनी वापसी किए हैं तब से उनके कैरेक्टर के साथ काफी ज्यादा छेड़छाड़ की गई है और अब उनका गिमिक बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो ऐसे में अपनी क्रिएटिव थिंग्स के चलते डीन अब WWE को छोड़ना चाहते हैं। क्रिएटिव टीम से वो काफी ज्यादा नाराज है और आज आपने रॉ के अंदर भी देखा उनके साथ क्या कुछ हो रहा है और यहां डीन एम्ब्रोस ने WWE के कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया है। और यहां माना यह जा रहा है, अगर खबरों की माने दोस्तों, अगर खबरों को सच माने तो माना यह जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक वो WWE को टाटा बाय बाय कह देंगे और WWE के साथ रिसाइन नहीं होंगे। तो काफी बड़ी एक खबर है और यहां दोस्तों डीन एम्ब्रोस WWE को छोड़ने वाले हैं, लेकिन इस पर डे मेल्जर का कहना यह रहा कि अभी वो चीजें कंफर्म नहीं बता सकते। PW Torch ने चीज बताई है, ये सच भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन दोस्तों डीन एम्ब्रोस का WWE को छोड़ना कहीं ना कहीं अंदेशा है कि WWE उनके साथ सही नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि डीन को अगर पुराने कैरेक्टर में रखा जाता तो काफी कूल नजर आते, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहां दोस्तों द शील्ड का हमेशा के लिए खत्म होना भी एक खतरा सामने आ चुका है, क्योंकि डीन नहीं होंगे तो शील्ड कहां से होगी। लेकिन ये तो समय बताएगा कि इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ। लेकिन अब हम चलते आज की दूसरी बड़ी खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है 16-time वर्ल्ड चैंपियन यानी कि जॉन सीना से। तो दोस्तों जॉन सीना का रेसलमेनिया ओपोनेंट कौन होगा, ये चीज सभी जानना चाहते हैं। इससे पहले दोस्तों माना ये जा रहा था कि लॉर्ड सुलेवन उन्हें फेस करेंगे इन द बिगेस्ट PPV, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि उन्हें फेस कर सकते हैं ड्रू मैकइंटायर। ये चीज इसलिए है दोस्तों क्योंकि लॉर्ड सुलेवन को पैनिक अटैक आने स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके चलते वो अभी तक अपना डेब्यू भी नहीं कर पाए हैं और यहां दोस्तों अब उन्हें फेस करेंगे ड्रू मैकइंटायर। लेकिन अगर लॉर्ड सुलेवन ठीक हो जाते हैं तो दोस्तों शायद प्लांस में चेंज भी आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो चीज मानी जा रही है वो है जॉन सीना वर्सेस ड्रू मैकइंटायर इन द रेसलमेनिया 35। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन खबर के ऊपर जो कि जुड़ी हुई है सभी के प्यारे द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो दोस्तों रोमन रेंस से जुड़ी एक और खबर आ चुकी है, रोमन रेंस की हेल्थ पर लेटेस्ट अपडेट आया है और ये दिया है दोस्तों द ब्रामा बुल द रॉक ने। तो आप सब लोग जानते हैं कि द रॉक और रोमन रेंस हाल ही में एक मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और उस मूवी का नाम है हॉब्स एंड शॉ, जिसके चलते जो द रॉक है उनसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं रोमन रेंस से जुड़े कि रोमन रेंस कैसे हैं, रोमन रेंस मूवीज के दौरान किस किरदार में नजर आ रहे हैं। और इस पर दोस्तों रॉक धीरे धीरे करके अपने जवाब दे रहे हैं और हाल ही में दोस्तों ट्विटर के ऊपर उन्होंने रोमन रेंस की हेल्थ पर एक बड़ा बयान दिया और यहां दोस्तों वो बोले कि जो रोमन रेंस है वो उन पर काफी ज्यादा गर्व करते हैं, यानी कि काफी ज्यादा प्राउड करते हैं रोमन रेंस के ऊपर कि वो उनके कजन है। और यहां दोस्तों द्रॉक कह रहे हैं कि जो ल्यूकीमिया से रिकवरी हो रही है रोमन रेंस की, उससे एक और फायदा हो रहा है कि जो रोमन रेंस का स्टेट ऑफ माइंड है वो एक दूसरे लेवल पर पहुंच गया है, यानी कि अब वो मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं इस बीमारी के चलते। इसके बाद उन्होंने कहा कि रोमन रेंस के साथ मूवी की शूटिंग करते हुए काफी मजा आ रहा है, काफी फन मार रहे हैं हम। और यहां दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि रोमन रेंस उनके छोटे भाई के किरदार में इस मूवी के अंदर। वेल यहां द रॉक ने साफ किया कि रोमन रेंस जो है वो काफी अच्छी हालत में है और जो दोस्तों वो शूटिंग कर रहे हैं तो उससे ये चीज भी क्लियर है कि उनकी बीमारी इतनी भी घातक नहीं है जितनी पहले मानी जा रही थी। तो यहां दोस्तों रोमन रेंस काफी अच्छे हैं। अगर दोस्तों आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक मारना मत भूले। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।